हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो यहाँ सुबह सुबह मैंने आज एक काम बिगाड़ दिया है। मैं बना रही थी स्मूदी और जो मेरा मिक्सर जार है ना, वो ही टूट गया। एक तो पहले ही मैंने ख़राब कर दिया था और दूसरा जैसे तैसे चल रहा था वो, उसको भी मैंने यहाँ पर देखिए तोड़ के ख़राब कर दिया है। यहाँ पर तो ये कर रही थी तो ये काम ख़राब हो गया है। और एक काम ख़राब हो गया है आज, आगे शेयर करती हूँ आपके साथ। सो ये अब पता नहीं चलेगा कि नहीं, इसका मुझे नया लेना पड़ेगा। और ये मिलता भी नहीं है अलग से, प्रॉब्लम ये है, ना ऑनलाइन मिल रहा है ना ऑफलाइन मिल रहा है, कहीं भी नहीं मिल रहा है मुझे ये। सो मैं देखती हूँ क्या कर सकते हैं इसका। और बारिश का मौसम हो रहा है आज यहाँ हैदराबाद में, तो यहाँ मैं बना रही हूँ भजिए। और आज अभी का वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, सो इसीलिए वो भी आज घर पर ही हैं। थोड़ा बहुत मैं आज उनको व्लॉग में लेने की अपनी कोशिश करूँगी। सो फिलहाल तो वो अपने काम कर रहे हैं बैठ के रूम में, और यहाँ भजिए तल रही हूँ मैं। उनको खाने थे पनीर के भजिए, तो उन्होंने बोला मुझे पनीर वाला भजिया बना के देना। मुझे तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगता, बट उनको बहुत पसंद है। कभी इतना ज़्यादा हवा चल रहा था तो मुझे लग रहा था लास्ट टाइम जैसा हमारा वो जो डोर बना हुआ है बैल्कनी में स्टोरेज के लिए हमने बनवाया है, वो निकल के ना गिर जाए, तो हमने उसमें ना इस बार लैच लगवा लिया है। तो ये कुंडी जैसा होता है ना, ये लगा लिया है, तो उसको अब हम बंद करके रखते हैं ताकि हवा चले तो ये खुले नहीं अपने आप। अरे ना, इसमें ना मैगनेट लगा हुआ था, ये देखिए ऊपर लगा था इस तरीके का, तो ये भी लगवा लिया है दोनों साइड से, तो इससे भी अच्छे से चिपका रहता है। पहले सिर्फ ऐसे ही था, ये अपना ऑटो बंद वाला डोर था कि जो किचन में रहते हैं ना वैसे वाले थे, इसको सिर्फ बंद करो तो ये बंद हो जाते थे, मगर अब इसमें मैग्नेट भी लगवा के दिया है हमने, और इसमें साथ में ये बाहर में कुंडी भी लगवा लिया है जिससे ज़्यादा अच्छे से अब ऐसे बंद रहेगा। और वो बोल रहा था हमको कारपेंटर, इसमें ना हवा नहीं पास हो रहा है ना, उसका ऊपर से एच भी खुला हुआ है और नीचे से पैक है, इसीलिए इस तरीके से हो जाता है इसका डोर ओपन। कुछ ब्लाउज सिए थे मैंने, उसका थोड़ा थोड़ा काम बाकी था बटन वगैरह लगाने का, तो वही कर रही थी मैं। और ये मैंने लास्ट डे सिए थे वैसे, और कचरा जो आप देख रहे हो ना, ये भी लास्ट डे का ही फड़ा हुआ है, साफ ही नहीं किया था मैंने क्योंकि थोड़ा सा काम बाकी था। मैंने सोचा सुबह कंप्लीट करके ही इसको यहाँ पे सफाई करूँगी मैं। सो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, थोड़ा सा ही बाकी था। तो और ये देखिए इस तरीके से ये ब्लाउज़ कुछ है, कितना अच्छा ये डिज़ाइन है इसका, सिंपल है। और मैंने इसमें ना अलग तरीके की हिडन पाइपिंग लगाई है, साथ में एक सिंपल ब्लाउज सिया है, और किसी का भी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया ज़्यादा क्योंकि सारे सिंपल ही है ऑलमोस्ट, कुछ ज़्यादा डिज़ाइन है नहीं है। और ज़्यादातर पाइपिंग के बने रहते हैं तो पाइपिंग के डिज़ाइन कोई देखना पसंद करता नहीं है, एक दो बार मैंने डाले हैं अच्छे खासे व्यू नहीं आते उस पर, तो फिर टाइम वेस्ट होता है क्योंकि कैमरा एडजस्ट करने में रिकॉर्डिंग करने में ना बहुत टाइम चला जाता है, जितने में ब्लाउज ही सिलता उतना टाइम मेरा रिकॉर्डिंग में निकल जाता है। सो ऐसा कुछ सिंपल रहता है ना, मैं नहीं रिकॉर्ड करती हूँ ऐसे ही सिल लेती हूँ मैं, सोचे जाने दो उसमें व्यू तो आने नहीं है, और फालतू की इतनी मेहनत हो जाती है। और इस वाली बालकनी से आप देख सकते हो बारिश हो रही है वहाँ पर, बट वहाँ से ये वाली बालकनी में बारिश नहीं आती हमारी बिल्कुल भी, क्योंकि ऊपर इस तरीके से टाट पटरी डाला हुआ है तो नीचे बारिश नहीं आती इस बालकनी में। एक पूरा देखिए आप देख सकते हो बैठा पूरा। और यहाँ सिलेंडर हम लोगों ने रख दिया है, जो हमारे उस वाले बालकनी में भी एक सिलेंडर रखा हुआ है, यहाँ भी रखा हुआ है एक, एक्चुअली पुराना वाला भी रखा हुआ है, अभी रिटर्न नहीं किया है उसको। और ये भी एक मैंने बेबी फ्रॉक सी थी, और भी एक दो ब्लाउज़ पड़े हैं सिलने के लिए जिसका अभी लाइनिंग लाना बाकी है। तो जो कस्टमर होते हैं ना, मैं उनको ही बोल देती हूँ लाइनिंग लाने के लिए, क्योंकि यहाँ से दूर है तो मैं सामान नहीं लेके आ पाती, तो मैं उनको ही बोल देती हूँ लेके आने के लिए। सो लेके आएंगे तब मैं उसको सिलूँगी। और यहाँ मैं अब लग गई हूँ अपने एडिटिंग करने में, आजकल टाइम इतना बिजी चल रहा है ना मेरा, और ये मैंने सिलाई का काम ले लिया जब से, तो और ज़्यादा मेरा शेड्यूल बिजी हो गया है, सो उसके लिए भी अलग से टाइम निकालना पड़ता है मुझे। लैपटॉप से वीडियो काफ़ी अच्छे बन जाते हैं बट अपलोड होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसको मैं रख दूंगी अपलोड होने में, इतने में मैं अपना खाना बनाने की तैयारी करूंगी। Meanwhile मुझे खाना बनाना है अभी, और सोचो क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ अभी खाने में, मुझे खाना क्या बनाना है, एक बार फिर से बोलो, एक मिनट रुको, क्या बनाना है अभी खाने में, जो है बना लो, ऐसे नहीं चलेगा, तुम बताओ मेरे को क्या बनाना है, मटर पनीर पराठा, पनीर नहीं,
मटर है, मटर है। तो जो है उनमें से बताओ, थोड़े ना तो आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी कर लो। ऑप्शन है गोभी है, भिंडी है और बैंगन है, बताओ। बैंगन आलू। बैंगन आलू ठीक है। और कभी पूछा ना एक ही आंसर आता, कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लो। तो चलो खाना बना लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। ये केटल भी खराब हो गया है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया है इसके अंदर, ये चल नहीं रहा है। मतलब लाइट जल रहा है इसका पर पानी गर्म नहीं हो रहा है इसमें। अभी इसको खोल के ठीक करके देखेंगे क्या? क्या केटल को ठीक करके देखो, शायद ठीक हो जाए। कर लोगे ना, पता चला और खराब कर दो। खराब नहीं, दोबारा क्यों खराब? इलेक्ट्रिशियन को बुला के करा ले क्या? क्या करेगा, उनको तो आता होगा ना इसे। तो केटल तो ठीक हुआ नहीं, बहुत देर दिमाग खराब किया इसमें हम लोगों ने, फिर भी नहीं ठीक हुआ। तो अभी ने ना नया ही ऑर्डर कर दिया है, अभी नेक्स्ट डे आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत यूज़ में आता है, पानी हम लोग गर्म करके पीते हैं। तो अमेज़ॉन से ऑर्डर कर दिया है, तो अमेज़ॉन की ना मेंबरशिप पे रखी है अभी ने, सो उससे नेक्स्ट डे ही हम लोग कोई भी सामान मंगाते हैं तो या सो सेम डे या नेक्स्ट डे डिलीवर हो जाता है हमको। और इलेक्ट्रिशियन को बुलाते ठीक करने के लिए 500-600 रुपये वो ले लेता आने का, और फिर बोलता है ये मटेरियल ख़राब है वो ख़राब है, तो इससे बेटर हमने नया ही ऑर्डर कर दिया। और अब मेरा एडिटिंग का काम भी हो गया यहाँ पर डन, और रात का ये काम भी निपटा के रखना है सुबह टिफिन के लिए अभी के। क्या तुम जानती हो न्यूयॉर्क शहर 5 The next day रोशनी चली जाएगी, इसके लिए आई ड्रॉप ले। सुख मोटे लोगों को होता है जैसे कि तुम है, आपके जीवन में खुशियां देता है। और अगर सब कुछ होने के सुबह सुबह हम लोग न्यूज देखते हैं, तो न्यूज के बीच में ये दिखाते हैं, क्या नाम है इनका, नाम भूल गई मैं, तो ये कुंडली का सब बताते हैं। तो मेरी मम्मी मदर इन लॉ ये सीरियल देखते हैं, तो मैं बोल रही थी अभी को ये भेजती मम्मी को, कैसे मजाक उड़ा रहे हो तुम, उसको बताएंगी। फिर कुछ राशन मंगाया था वो आ गया है, यहाँ पर आटा मंगाया है मल्टीग्रेन का, आशीर्वाद का मंगाया है, इस बार बेसन मंगाया है, बेसन बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। यहाँ पोहा मंगाया है, इस बार डेट्स मंगा लिए हैं ड्राई फ्रूट्स में, और ये एप्रिकॉट मंगाया है, ये मुझे नहीं अच्छा लगता है, अभी को अच्छा लगता है। और ये है जीरा, जीरा ख़त्म हो गया था उसके लिए। गाजर मंगाई है उसमें डालने के लिए, मुझे ना नूडल्स खाने का मन था, तो बाकी सब चीज़ थी मेरे पास, गाजर नहीं थी तो गाजर भी ऑर्डर कर दी साथ में। ये और एक एप्रिकॉट है, ये क्या है, पॉपी सीड है, इसको क्या बोलते हैं, नाम नहीं आ रहा अभी, जीरा जैसा होता है ना, इसका कुछ बोलते हैं, नहीं बेस आएगा याद बताऊँगे। यहाँ मैंगोस, और इस सीज़न का मेरा पहला मैंगो आ गया है। अभी बोल रहे थे अभी ना अच्छे नहीं आते हैं, मतलब मेरा बहुत मन है खाने का, मंगा लो जैसे भी आए। ये सुबह नाश्ता बनाया था ना, उसका एक्स्ट्रा प्याज कटा था वो रखा हुआ है, और ये फ्री है। सो आज मुझे करनी है ये वाले ब्लाउज की सिलाई। सो ये आंटी जो ब्लाउज देके गई ना, इतना कम कपड़ा है, अब इसमें मुझे मैनेज करके इनको सिल के देना है, थोड़ी सी हेल्दी आंटी है ये, और कपड़ा ये कम। 3 hours later टमाटर थोड़े से ना इसे पल पल वाले आ गए ना, तो मैंने ना सब चटनियाँ पीस के रख ली इसकी, ये वाली पीस ली है, ये सब्जी में ग्रेवी वाली चटनी बना ली है, और ये खाने वाली बनाऊंगी मिर्ची धनिए की, और एक मैंने अदरक भी पीस के रख लिया है, तो आज मार्केट लगा था ना, तो इस तरीके से अदरक भी पीस के रख लेती हूँ मैं, इजी रहता है चाय वाय में डालने के लिए, और ऐसे भी सब्जी में डालने के लिए अच्छा रहता है। सो ये सब पीस के रख लिया है,
टमाटर ना थोड़े से ज़्यादा ही सॉफ्ट वाले लग रहे हैं, ऐसे ही आ रहे थे मार्केट में। तो ये है, ये बैडमिंटन काफ़ी टाइम से मंगा के रखा हुआ है और हम लोग इसको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। कभी कभी एक बार निकालते हैं कितने दिन में, और ये घर बन गया था ना तब से ला के रखा हुआ है। सो एक दो बार खेला था और आज भी खेला थोड़ा सा। सो ये है इसके रैकेट, और खेलने के बाद मैं अभी को बोली आज मेरा वज़न चेक कर दो। नहीं, एक हफ्ते से एक्सरसाइज कर रही हूँ, कितना वज़न कम हुआ देखते हैं। सो ये अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था, तो सब चेक करने के लिए। और जिस दिन मैं एक्सरसाइज करती ना, उस दिन मेरे को बहुत डाइट सूझती है, और फिर सेकेंड डे फिर मैं ताला भुना खा लेती हूँ वापस। तो ऐसा मेरे साथ होता है। जब मैं जिम जाती थी तभी भी मैं ऐसे ही करती थी। जिम से आने के बाद तो मैं एकदम हेल्दी हेल्दी खाती थी, एकदम ओट्स खा लिया, कुछ ऐसा खा लिया और सैलड खा लिया, और नेक्स्ट डे फिर पूरा बराबर कर देती थी कुछ उल्टा सीधा खा के। सो ये डाइट वाइट मेरे बस की है ही नहीं, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ हार्ड करने का कि कर पाऊँ जितना कर सकूँ। तो यहाँ पे दोनों के लिए मैंने सूप बनाया रात में, यही खाया हम लोगों ने। और ये कुछ पार्सल रिसीव हुए थे, वो मैं एंड में शेयर कर रही हूँ आपके साथ। कुछ कुछ आइटम्स एक ही दिन के नहीं है, अलग अलग दिन में आए थे, बट यहाँ पर मैं सबके अनबॉक्सिंग कर रही हूँ और फटाफट दिखाती हूँ आपको क्या क्या मंगाया है। सो ये है बैटरी बैकअप है, ये वाईफाई के लिए मंगाया है। अब गर्मी आ गई ना तो काफ़ी लाइट जाने लग गई है। सो जब कभी मैं अपलोडिंग में लगाती हूँ ना वीडियो, तो लाइट चली जाती है तो वो अटक जाता है बीच में, और कभी बार अभी कभी कॉल रहता है घर से तो उनका भी डिस्टर्ब होता है। तो ये हम लोगों ने मंगा लिया है, इससे 3-4 घंटे का बैकअप हमको अच्छे से मिल जाएगा। लाइट चली जाएगी तो भी वाईफाई हमारा चलता रहेगा, तो ये इसलिए मंगाया हम लोगों ने। तो इसको सिंपल पीछे से अटैच कर देना है ये वाले वाईफाई राउटर में, और ये हो जाता है रेडी। और इसमें स्विच भी दिया हुआ है ऑन ऑफ करने के लिए। ये जो कैटल मंगाया था वो भी आ गया है, तो कैटल इस तरीके का है, बहुत ही अच्छा ये लगा मुझे। लाइट वेट है इसका काफ़ी, जो हमारा छोटा सा था ना वो थोड़ा सा हैवी था, और ये इतना बड़ा कैटल है तो बहुत ही लाइट वेट है। मैं अभी बोल रही थी ये अच्छा तो है ना, चालू तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो ये विप्रो का हमने मंगाया है, 1.8 लीटर का ये है। तो इस तरीके से कुछ है ये, अब यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कैसा है क्या है। तो दिखने में लुक वाइज तो काफ़ी अच्छा है, 2-3 ऑप्शन दिखाए थे अभी ने, मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने अभी को बोला ये वाला ऑर्डर कर दो। और एक और आ रहा था उसके साथ बॉटल भी फ्री थी, वो थोड़ा सस्ता आ रहा था, मगर मेरे को ये इसका लुक ज़्यादा अच्छा लगा था, लुक की वजह से 200-300 रुपये ज़्यादा डाल के ये वाला मंगा लिया। और ये वो मूव जो मैंने बताया था आपको, मेरा मूव फ्लैट वाला मैंने रिटर्न कर दिया था, उसके बदले मैंने दूसरा ऑर्डर किया था, तो वो भी आ गया है। ये काफ़ी टाइम पहले आ गया था एक्चुअली, सो उसका क्लिप मैं इस वाले वीडियो में ही ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से कुछ है, और इसके साथ कोई बकेट वकेट नहीं आई है, ये सिंपल इसी तरीके से यूज़ होगा। तो इसमें देखिए इस तरीके से स्लाइड करने का ना इसमें ही लगा हुआ है साथ में ही, सो इसके लिए अलग से कुछ बकेट की ज़रूरत नहीं है, इसको यूज़ करना भी इजी है। मगर इसका जो ये जो पैड लगा हुआ ना, इसकी क्वालिटी मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, बाकी सब ठीक लग रहा था। तो ये सब पार्सल आए थे, सबका लिंक मैं डाल दूँगी फ्रेंड डिस्क्रिप्शन में अगर आपको लेना हो तो। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।